ਪਛਾਣ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸੋਨਾ ਸਾਰਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ? ਸੋਨਾ ਜੀ ਇੱਕ 2 ਕੜੇ ਸੀ ਅਤੇ 2-3 ਸ਼ਾਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ। ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਨਕਦੀ ਕੈਸ਼ 40,000 ਰੁਪਏ। ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ बेल आइकन नु क्लिक करो ते एवन पंजाबी नु सब्सक्राइब करो। चोरा वल्लो आए दिन बिना किसी दे डर तो इलाके विच चोरी दियां वड्डियां वारदातां कीतियां जा रही हैं। ताजा मामला तरन तारण दे पिंड जोहल ढाई वाला तो सामने आया, जिथे की कुछ अणपछाते चोरा वल्लो एक घर विच चोरी दी वड्डी वारदात कीती गई है। चोर घर विचों 10 तोले सोना ते 40,000 दी नकदी लैके रफू चक्कर हो गए ने। पीड़ित परिवार ने मीडिया नु जानकारी दिंदे होए की क्या, आओ सुनदे हां। मेरा नाम जी भुपिंदर सिंह है। तो की गलबात हुई है इस बार? वीर जी मैं ना अपने नानके आया, मेरे मामा जी आ, इन्हों की रात ना चोरी हुई है तो इन्होंने सू दसिया भी पिछों कंध पाड़ के कोई आए आ बंदे, तो उन्होंने मतलब पहलों इधरों टप्पे आ, उन्होंने दवाई दवुई छिड़की आ, फिर मगरों जाके इन्होंने कंध पाड़ी आ, कंध पाड़ के जो भी इन्हों का गहना गट्टा ही, जो कैश ही, ज्वेलरी वगैरह सारा कुछ मतलब कढ़ के लै गए। इन्हों का कोई शक शुक जताया जा रहा किसी? शक तो अजय वीर जी किसी तो नहीं जताया, तो मैं तुम्हें कही भी मतलब पुलिस कार्रवाई करे, पुलिस कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन आपकी करे पूरी सख्ताई के नाल, तो मतलब लभ सकती है। पुलिस ने की भरोसा दवाया? कहते हैं पुलिस भी आई सी। पुलिस वाले तो यो ही कहें भी असं लभांगे, अं तो पूरा सहयोग देवे, इंसाफ तुम देवे। ये तो हूँ सारी पुलिस से गल है भी जल्दी तो जल्दी चोर लभण, तो उन्होंने सख्त तो सख्त सजावा दी है। अकबाल सिंह की गलबात हुई है जी? गल ये रात में मतलब सुते हैं, तो सुत्या वालों सू दवाई तूड़ी, तो दवाई सू पता लगे 6 बजे उठे हैं, तो आप मतलब मगर तूड़िया ना अपना मोरा करके। कितने थोड़े कमरे च हो? कमरे च। तो कि नुकसान होया जी? नुकसान साढ़ा जी सोना सारा चले गया। कि सोना सी? सोना जी एक 2 कड़े ही, 2-3 शामा ही, तो अपना सैट। कोई नकदी कैश भी चोरी है? नहीं, नकदी कैश 40,000 रुपया है। ठीक है जी। तो कोई तुम्हें शक किसी से है? शक है जी कोई नहीं, अजय फिर आप दसा। तो तुम कितने पैसे लंबे इस कमरे से? गेट तो बहरले बने। ठीक है। तो कि पुलिस वालों कोई कार्रवाई की गई? हाँ जी, पुलिस वाले लेके नहीं ले लेके लगे। ठीक। हाँ जी। तो की प्रशासन को मांग करते जी? हाँ जी, प्रशासन को की मांग करते जी? कितना की प्रशासन को मांग करते जी? हाँ जी, अं मांग यही करते चोर फड़े जा, साड़ी सोना जो भी गहना गटा गया, जो पैसा लगे वापस आ जी, पुलिस आपकी इनकारी करी। बोलो जी। हाँ जी, अहीं आने बंदा सही फड़न, सही फड़ के आपका इनकुआरी करन, इनकुआरी करके तो सानू दसन आपका बंदा फड़ के आ। पहला भी सर तुहाडे नाल वारदात वापरी? पहला नहीं, पहली नहीं, पहली वार वार साडे कुरे दे च पहली वार वारदात होई। ते काम तुसीं की करदे जी? ए खेती दा करदे जी। किन्ने परिवार के मैंबर घर च? ए टाइम 4 परिवार इत्थे ने। तुहाडा नरेंद्र कौर की गलबात होई है जी? रात अहीं सुत्ते आ, 4 मंजे डिठे बाहर सुते हैं वेड़े दे विच, ते बाहर धक्का मारिया बूहे नूं ते कंध पाड़ के अंदर आए आ, समान साडा सारा लै गए आ, जिंदरे तोड़ते आ, सारे लॉक तोड़ते आ, ते धक्का मार के बूहा अहीं खोलिया, सारी बाहरली कंध सारी पाड़ के समान सारा लै गए आ। ते की समान साडा चोरी होया? गहना सारा साडा लै गए आ, सारा गहना लै गए आ, वोटी दी फैल लै गए आ, डिगरी दी फैल ही उह लै गए आ। होर की नुकसान होया जी? नुकसान साढ़े सारे बिस्तरे बूतरे सब खिलार के समान सारिया चीजा लै गए, साढ़िया बिस्तरे बिस्तरे कपड़े रह गए साढ़े, जाके पैलियां च जाके कपड़े खिलार दिते साढ़े। ते तुहानू रात पता लगा जां घटना सारी जानकारी? सानू सवेरे 6 बजे पता लगा, दवाई छिणकी पखे दे गाड़ी साढ़े, ते सानू सुत्तिआं नू जाग नहीं आई, दवाई छिणकती आ, सानू सवेरे सुरत आई, सवेरे अहीं उठे आ, सही उठे आ, सवेरे सानू उठिआ नहीं गिआ साढ़े को सवेरे। कारवाई पुलिस करूगी, करांगे असीं कारवाई, बंदा फड़न पुलिस वाले, साडा समान वापस, साडा गहना बहुत ही साडा गहना लै गए आ, पेटियां दे जिंदरे सब लंबारियां सब लॉक लुक तोड़ के साडा समान सारा लै गए, कपड़े साडे जाके पैलियां च जाके खलार गए। की मांग करदे जी? साडा इंसाफ करन, अहीं मांग करदे साडा इंसाफ करन। उधर पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले की गंभीरता नाल जांच की जा रही है।
Now, Avan Punjabi launched a newspaper, The Power of Words. Now, you check out all our daily updates on our website www.avanpunjabi.com and all updates on our social networks, Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. Thank you. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀਰ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਓਇਲ ਫੀਰ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।